नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक LED टेस्टर के बारे में, जो कि यहां पर रखा हुआ है। ये देखिए, इसके अंदर है LED टेस्टर। अगर दोस्तों आप लोग ऐसे मेरी जैसे कि हम लोग यहां पर रिपेयर करते हैं LED वगैरह, ये देखिए, और इसमें अगर बैकलाइट खराब हो जाती है तो आप लोगों को एक बैकलाइट टेस्टर की बहुत जरूरत पड़ेगी, जिससे कि आप लोग उसको चेक कर सकते हो कि उसके बैकलाइट में प्रॉब्लम है या मदरबोर्ड में। तो यही है वो बैकलाइट टेस्टर, इसी के बारे में आज मैं बताऊंगा, और इसको कैसे चलाना है इसके बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को। तो चलिए इसको मैं खोल करके दिखाता हूँ। वैसे मैं इसको कई दिनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था इस पर, और तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताऊं कि ये मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ और आप लोगों के लिए कितना जरूरी है ये। तो चलिए इसको खोल करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या सामान है और किस तरीके का है। तो मैं थोड़ा कैमरा सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, कुछ इस तरीके से मुझे ये बॉक्स मिला था, और चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये STN LED टेस्टर है, और यहाँ पर इसकी डिस्प्ले आ जाती है कि कौन सा LED कितने वोल्ट ले रहा है, और यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है, इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो यहाँ से। अगर यहाँ से नहीं करना है तो आप यहाँ से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। और यहाँ पर इसके दो प्रॉब दिए हुए हैं, एक ब्लैक और एक रेड। तो ये इसके प्रॉब हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। तो चलिए इसको खोल देता हूँ मैं और आप लोगों को चला करके दिखाता हूँ एक बार। तो ये देखिए दोस्तों, इसके ब्लैक और रेड प्रॉब हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी हैं इनकी, और आगे से बहुत ही ये तीखे हैं, ये बहुत नुकीले हैं ये देखिए। और अगर आप लोगों ने बहुत ही बारीक काम करना है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये। तो चलिए इस प्रॉब को हम इसमें डाल देते हैं, ब्लैक में हम ब्लैक डालेंगे और रेड वाले में रेड को डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है, प्रॉब को सेट कर दिया है, और इसकी वायर जो है इसको भी हम खोल लेते हैं यहाँ से। तो इस रबर बैंड को मैं निकाल दूंगा यहाँ से। तो देखिए, मैंने इसकी भी काफ़ी अच्छी लेंथ है जो वायर है, और मेरे पास यहाँ पर इसका बोर्ड है, तो मैं इसको यहाँ पर लगा दूंगा। तो मैंने इसके प्लग को लगा दिया है दोस्तों यहाँ पर, और थोड़ा कैमरा इधर करना पड़ेगा क्योंकि इसका बोर्ड थोड़ा ज़्यादा दूर है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसकी वायर लगा दी है, और अभी इसको मैं यहाँ से ऑन करूँगा। तो ये देखिए, ये ऑन हो चुका है। 300 आप लोग वो दिख रहा होगा, 300 इसी पर सेट होगा। और जब भी हम किसी LED को चेक करेंगे इस प्रॉप को लगाने के बाद, तो वो जितने वोल्ट ले रहा है वहाँ पर, वो यहाँ पर शो होगा। तो चलिए, मैं आप लोगों को एक LED स्ट्रिप है मेरे पास, उसको मैं आप लोगों को चेक करके दिखाऊंगा कि वो कितने वोल्ट ले रही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास कुछ LED स्ट्रिप्स हैं जो LED टीवी में लगती हैं, और ये देखिए, ये थोड़ी चपटी वाली है, और ये छोटी LED में लगती है, जैसे कि 22 इंची 24 इंची उसमें लगती है ये वाली LED स्ट्रिप, और ये बड़ी 32 इंची में लगती है ये। तो चलिए अभी आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ। तो आप लोगों ने कैसे चेक करना है, ये जो LED स्ट्रिप है इस पर प्लस और माइनस का निशान दिया हुआ होता है, तो आप वहां पर जब लगाओगे तो वहां पर ये चेक हो जाएगी। तो हालांकि ये वाली खराब है, तो मैं एक सिंगल चेक करके दिखा देता हूं आपको। यहां पर प्लस का निशान है इधर वाले पर, और यहां पर माइनस है। तो यहां पर भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा LED टेस्टर पर, और ये मैंने प्लस का लगा दिया और यहां पर माइनस का। तो ये देखिए दोस्तों, जो पहले 300 था वो 3.0 है, तो इसका मतलब ये एक LED आप लोगों को ग्लो भी होता दिख रहा होगा ये वाला। और इसको मैं निकाल लेता हूँ, ये देखिए बंद हो गया और अभी ये चल गया। तो जितना भी ये LED हमारा लोड लेगा वो यहाँ पर शो होगा, जैसे कि 3.0 शो हो रहा है, इसका मतलब ये 3 वोल्ट का एक LED है। तो जैसे कि इसमें कितने LED लगे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 LED यहाँ पर लगे हुए हैं। तो 7 या 21, इसका मतलब ये 21 वोल्ट का LED टोटल पूरा हो सकता है, स्ट्रिप जो पूरी है। चलिए आपको एक छोटी वाली भी चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर भी प्लस और माइनस का निशान बना हुआ है ये यहाँ पर। तो यहाँ पर प्लस पर प्लस को लगाएंगे रेड को, और माइनस पर ब्लैक वाली प्रॉब लगाएंगे। तो ये देखिए, ये दोनों LED स्ट्रिप सीरीज में लगी हुई हैं, इस वजह से ये चल गया है। और अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को वोल्टेज दिखाऊं मीटर पर, तो यहाँ पर देखिए 13.87 या इतना दिखा रहा है।
तो इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेट 15 वोल्ट की दोनों स्ट्रिप हो सकती हैं। ये देखिए, तो ऐसे ही आप जैसे छोटे एलईडी बल्ब होते हैं जो घरों में लगते हैं, और जो कोई भी एटम हो जो एलईडी के कोई भी एलईडी बल्ब हो उसको आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।